सो गाइस हो गया होली का त्यौहार, रंगबाजी देखो अभी भी खेल रहा है, इसके पास बैलून बच्चे हुए हैं दो तीन। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 8 मार्च 2023, टाइम हो रहा है 9:25, अभी सो के उठाऊं। आज होली का दिन है, कल रात को बहुत देर से सोया था, तो होली के दिन इतनी लेट सो के उठाऊं समझ रहे हो, और गाँव में होता ना तो सुबह 6 बजे उठ जाता, तो गाँव के मजे ही कुछ और होते हैं। तो आज होली का दिन है, मेरी तरफ से आप सभी को और आपके परिवार वालों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली। तो आज खेलेंगे होली और आज घूमेंगे अपनी सोसाइटी में। तो अभी उठ चुका हूँ, अभी खाना वाना रेडी हो रहा है, आज खाना कुछ स्पेशली बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा और कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो आज मजे आने वाले हैं। आप होली कैसे मना रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताना, हमारी तो होली कुछ अलग ही रहने वाली है, क्योंकि हम गांव नहीं गए तो यहाँ की होली कैसी रहेगी वो भी बता नहीं सकते, वो दिखाएंगे आपको। वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो प्लीज फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पर देख रहे हो कमेंट बॉक्स चेक करो, बाकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, कर लो इंस्टाग्राम पर फॉलो, फेसबुक पर फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब। तो अभी जाएंगे बाहर होली खेलने, तो अभी आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं अपने घर से, गो। तो बस हो गया होली का त्यौहार, रंगबाजी देखो अभी भी खेल रहा है, इसके पास बैलून बच्चे हुए हैं दो तीन, और होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरी कॉलोनी में गली गली में डीजे बोल रहा है। तो अब 12 बजने वाले हैं, हम नहा लेते हैं और खाना खा लेते हैं, है ना, मस्त हो गया ना नील, मजे आए नील, मजे आए ना हर गली में डीजे बोल रहा है, हर गली में डीजे। रंगबाजी हो गई खत्म और 12:50 हो रहे हैं, 12:50 रंगबाजी खत्म हो गई, नहा धो लिया और खाना बन गया एकदम फिट। खाना खाने में है मटर पनीर है और कटहल है और पूड़ी है, तो करते हैं खाना फिनिश फिर जाएंगे बाहर घूमने, है ना। सो गाइस अब निकला हूँ मैं, सो गया था दिन में सो गया था, क्योंकि कुछ सोसाइटी में चहल वहल नहीं लग रही थी दोपहर में, तकरीबन सुबह से तो बहुत धूमधाम से डीजे बज रहे थे, डांस कर रहे थे लोग, होली खेल रहे थे, 2-3 बजे तक, 3 बजे के बाद सब एकदम छुप गए घर में जाके। और हमारे यहाँ पर कैसे होती है होली, सुबह को उठते हैं ना 5-6 बजे आग लग जाती है होली में, फिर आकर डालने जाते हैं, होली जल जाती है, फिर रंग खेलते हैं 1 बजे तक, 12 बजे तक रंग खेलते हैं, उसके बाद साफ कपड़े पहन के सभी लोग आपस में होली मिलते हैं और छोटे बच्चे बड़ों के पैर छूते हैं, जो भी आशीर्वाद लेते हैं होली का, है ना, तो इस तरह से होली मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या सिस्टम है, यहाँ पर कोई दिख ही नहीं रहा है, नॉर्मल डेज की तरह लग रहा है आज का दिन, बिल्कुल सिंपल, ऐसे नहीं लग नहीं रहा दोपहर में होली है, कोई कोई दिख रहा है, कोई कोई नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल है सारे तरफ, तो कुछ इसी तरह का है, लग ही नहीं रहा होली है, मस्ती नहीं आ रही शाम को। चलो कोई नहीं, शाम को तो मैं चला जाऊंगा ना, आज रात में मुझे बाहर जाना है कहीं, तो बुकिंग ले रखा है ना मैं, शाम को 9:30 बजे निकल जाऊँगा, तो सोच रहा हूँ गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, ओला ओवर में चला लूँ क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा ना, चहल वहल होती तो अच्छा लगता, सब शांत पड़ा है बिल्कुल, ये इधर बन रहे हैं फ्लैट और इधर कोई दिख नहीं रहा, सब नॉर्मल कपड़े पहन के घूम रहे हैं कोई, जो घर वाले अपने। चलो कोई नहीं, सोच रहा हूँ ना गाड़ी लेके निकल जाता हूँ इंदिरापुरम सेक्टर, वहाँ से की तरफ घूम आता हूँ, कोई बुकिंग छोटी मोटी आएगी तो कर लूँगा, क्योंकि सो भी लिया मैंने और नींद भी अब आएगी नहीं जल्दी, और 11 बजे मुझे निकलना है बाहर के लिए, कहीं अपनी सोसाइटी से ही पिकअप है, मेरे जो पड़ोस वाले फ्लैट वाले ना वही जाएंगे कहीं बाहर, तो कहाँ जाएंगे वो सब बताएंगे आपको। टाइम हो गया है 11:10 और जो मैं बता रहा था ना शाम को मैंने बुकिंग ले रखा है, तो बुकिंग कम्पो था, कन्फर्म ही था, मैं पिकअप करने पहुँचा तो वहाँ पे 16-17 साल के लड़के ही थे कुछ, और टोटल 10 लोग थे 11वां मैं, बताओ 11 लोग गाड़ी में बैठेंगे। तो मैंने जिससे मेरी बात हुई थी मैंने उनसे बोला, मैंने सर आप तो बता रहे थे 6 लोग हैं, या तो 11 लोग हो रहे हैं मुझे लगा के, 10 लोग तो आप ही हो, तो बोले भैया कर लो एडजस्ट, साथ में कोई नहीं देखेगा, मैंने कहा कोई देखने वाली बात नहीं है, मैं 6 से ज्यादा बैठाता भी नहीं अपनी गाड़ी में, और मेरी गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो 6 लोगों के ही है, अगर 7 लोग भी होंगे ना तो मैं नहीं बैठाऊंगा, मना कर देता हूँ, तो मैं मना करके चला आया हूँ वहां से। मैंने कहा चलो भैया बुकिंग कैंसिल कर दो आप, एडवांस मैंने वापस कर दिया,
और खिलोज। तो अभी शाम को ही इंतजार कर रहा था इस बुकिंग से, शाम से अगर पता होता ही कैंसिल हो जाएगी ज्यादा लोग तो शाम को ही निकल जाता काम करने। चलो कोई नहीं, अब जा रहा हूँ घर, और घर से फिर निकलूंगा थोड़ी देर में, 12 बजे तक निकलूंगा काम करने लोकल में, ओला उबर में लोकल में काम कर लेंगे, है ना। चलो बुकिंग हो गई, कैंसिल बनना मैं बताता कहाँ जाने वाला था, फिलहाल बता दे रहा हूँ राजस्थान में कहीं पे कोई मंदिर है ना वहां जाने वाले थे वो लोग। चलो कोई नहीं, अब उस बुकिंग के बारे में बात ही क्या करना, आज का दिन अपना ऐसा ही रहा, होली भी बना ली ऐसी सिंपल वाली और बुकिंग भी कैंसिल हो गई। चलो हम मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ में, तो कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, कल करेंगे लोकल में काम, अगर बाहर का मिल गया तो बाहर भी चले जाएंगे, हो सकता है बाहर जाएं या लोकल में करें वो सब पता लगेगा कल के ब्लॉग में। तो इस वाले ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, लास्ट में यही बोलेंगे हंसते रहो मुस्कुराते रहो देखते रहो विक्की ब्लॉग, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।